मंदिर तो वैसे काफी बड़ा है, मतलब यहाँ पे अगर जैसे कोई अपना त्योहार का होता है टाइम तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं, जनता आती है, बहुत पब्लिक आती है। कितनी कितनी राशि का इसमें डोनेशन दिया है, अगर आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपको दिख जाएगा ये राशियों के अमाउंट लिखे हुए हैं। हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब? आज हम लोग चल रहे हैं एक अच्छी सी ट्रिप पे आपको लेकर, तो बस अब निकलते हैं थोड़ी देर में और हम आपको बताएंगे हम कहाँ चलने वाले हैं। तो आई होप आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ मिस कर देंगे अगर आप स्किप करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करें और एंजॉय करें इस ब्लॉग को। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों आप बहुत से लोग बेल आइकन नहीं दबाते, ये बहुत ज़रूरी है बेल आइकन दबाना। हम कंटिन्यू करते हैं इस ट्रिप को और मिलते हैं आपको सीधे अपने डेस्टिनेशन पर। हम लोग जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं तो हमारी गाड़ी के नीचे, हमारी ये जो गाड़ी खड़ी है इसके नीचे ये घुसे रहते हैं दोनों। अभी ये यहाँ आराम फरमा रहे हैं, अलग अलग जगह ऐसे भियोंस बन के लेटे हैं जैसे इन्हें कुछ पता नहीं है। ये देखिए उठ भी गया है। तो प्यारे दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं अंजनी लाल हनुमान मंदिर, जो कि भोपाल से 127 किलोमीटर दूरी पर है और ये नेशनल हाईवे पर स्थित है और ब्यावरा शहर के अंदर स्थित है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं हनुमान जी के दर्शन वहाँ पर। और भी वहाँ पर दो और मंदिर हैं तो वो हम आपको दिखाएंगे अगले पार्ट में। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आज हम लोग हैं, मम्मी ले जाते थे, बस मम्मी रह गई है, नहीं बाकी के जीजा जी हैं, दीदी हैं, तो आज मजा आ रहा है, नहीं तो ऐसे ही हम लोग मुंह बंद करके ही जाते थे। मजा नहीं आ रहा था। बहुत देर का सफर हम लोग कंप्लीट करके अब पास पहुंचने वाले रहते हैं, जी लाल मंदिर जा रहे हैं हम लोग हनुमान जी के। तो बस आपको भी दर्शन कराते हैं और हम लोग भी दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अंजनी धाम मंदिर में हम लोग आ चुके हैं, सामने ये आप देख सकते हैं, ये राम मंदिर का द्वार एंट्री वाला, और यहाँ पे देखिए गौशाला बनी हुई है और ये गाँव के रास्ते में है। हम लोग बस धीरे धीरे अंदर चल रहे हैं और दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी इधर पार्क करती है हम लोगों ने आराम से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप अपना प्रसाद वगैरह और सामान ले सकते हैं। सामने मंदिर है येरा भगवान का। चलो चलो क्या लेना है? एक नारियल कर दो और प्रसाद। तो दोस्तों प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है, अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, विशाल धर्मसभा होती, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ही बना हुआ है। हमने गेट है, यहाँ से एंट्री करना है आपको, और एंट्री करने के बाद जब यहाँ आते हैं तो मंदिर ये रहा। मंदिर प्रांगण बहुत सुंदर है यहाँ पे, वो अब अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। देखिए भोलेनाथ जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है सामने, बहुत सुंदर, और ये वाला मंदिर भी बना हुआ है। कि जो केसरी के लाल मेरा छोला लाए काम मेरी राम जी से कह देना जैसी आराम। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं हर मंदिर में हर इंसान का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, और हम जैसे सनातन जो धर्म के भक्त हैं और अनुयायी हैं, हम लोगों का भी इसमें दान देना और समर्पण देना बहुत ज़रूरी है हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखाने जा रहा हूँ, इसके अंदर आपको पता चलेगा ये जो मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे डोनेशन दिए हैं इस ट्रस्ट में मंदिर के निर्माण में और मंदिर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। तो ये सामने आप देख सकते हैं सब लोगों ने कितनी कितनी राशि का इसमें डोनेशन दिया है, अगर आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपको दिख जाएगा ये राशियों के अमाउंट लिखे हुए हैं, और ये क्रम नंबर दिया हुआ है कि इन जिन लोगों के सबके नाम है जिन लोगों ने अपने दान में दिए हैं पैसे यहाँ पर, ये पूरे बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। और मंदिर के सामने आपको ये दिख रहा है ये यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ वगैरह जो लोग करवाते हैं। ये है मार्बल का पूरा अंजनी लाल मंदिर हनुमान जी का, और वो वाला शायद श्री राम मंदिर होगा, जब खुलेगा हाँ खुलेगा तब पता चलेगा, अभी तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जितना इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखाते हैं इसमें इस ब्लॉग के अंदर।
तो दोस्तों अंदर की जो नक्काशी बहुत ही सुंदर बनी हुई है, और यहाँ पर तीन रास्ते हैं, एक तो एंट्री वाला है, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, तीन एंट्री पॉइंट है यहाँ पर मंदिर में। पर यहाँ पर भी शायद जाली वगैरह लगी, एक साइड जाली लगी और एक साइड यहाँ से ये एंट्री पॉइंट चालू है, मेन वाला एंट्री पॉइंट जो यहाँ से आप अंदर आते हैं मंदिर की तरफ। ले कब आमिर आए। तो दोस्तों हनुमान जी का श्रृंगार पूरा हो चुका है और अंदर हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर और भव्य लग रही है। अगर आप अपना अपनी तरफ से अगर कोई दान सहायता दे सकें तो ये टैग हैं, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको स्कैन करके मंदिर को दान सहायता दे सकते हैं अपनी तरफ से। और ये देखिए कितनी सुंदर राम स्तुति लिखी हुई है, हनुमान जी इधर हैं। मंदिर आपको पूरे स्वरूप में दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे तो हनुमान जी का मंदिर है, आप सामने देख सकते हैं ये भोलेनाथ का मंदिर जहाँ आपको अभी हमें दर्शन कराए, ये सामने मंदिर है और मंदिर का स्वरूप बिल्कुल शिवलिंग के शेप में है। यहाँ से वहाँ भोलेनाथ जी की शिवलिंग बनी हुई है, इधर शिवलिंग के रूप में उनका जो छत है वो वैसी बनी हुई है शिवलिंग के रूप में, और पूरा शेप इसमें नागराज बना हुए हैं वासुकी, और यहाँ पर पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। ये बच्चे वगैरह इस पर खेलते रहते हैं थोड़े बहुत, और ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। पूरे मार्बल का है, अच्छा बढ़िया। तो दोस्तों मंदिर तो आपने देखा बहुत ही भव्य और सुंदर है। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं जो मंदिर के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहते हैं, तो अभी मैं पंडित जी से आपको मिलवाऊंगा, वो आपको मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। पंडित जी बता दीजिए। यहाँ अंजनीलाल धाम बहुत 30 सालों से पुराना है, मतलब कम से कम 100 वर्ष पुराना है। यहाँ पहले धाम भरा के थी ये, मतलब ये आते थे मतलब प्रेत वाले, बहुत सालों तक वो भराई। इसके बाद यहाँ पहले छोटा मंदिर था, ये उसका विशाल रूप या कुछ भी मंदिर वगैरह नहीं थे। इसके बाद ये मंदिरों का निर्माण हुआ, मतलब अभी तक लगातार चल ही गया है। अच्छा, और मंदिर का समय पंडित जी क्या रहता है खुलने का और बताएंगे? ये 4 बजे से सुबह 6 बजे से खुल जाता है, तो 12 बजे तक। 12 बजे तक और शाम को 12 बजे से, तो फिर शाम 4 बजे से फिर शाम को रात को 10 बजे तक। यहाँ पर एक और मंदिर है, तो पंडित जी हमारे साथ हैं, वो हमें मंदिर के दर्शन कराने ले चल रहे हैं, तो चलते हैं और देखते हैं मंदिर को। राजा महाराजा का टाइम का मंदिर, राजा महाराजा के टाइम का मंदिर वो सामने। हाँ सामने, मतलब ऐसे बाहर है। हाँ मंदिर तो वैसे काफ़ी बड़ा है, मतलब यहाँ पे अगर जैसे कोई अपना त्यौहार का होता है टाइम तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। नवरात्रि में जनता आती है, बहुत पब्लिक आती है, बहुत आती होगी, तो नवरात्रि के जो अपने कार्यक्रम होते होंगे आराम से यहाँ पर हो सकते हैं। आप कब से जुड़े हैं मंदिर से? मैं तो 40 साल से। 40 साल से आप? बारिश हो रही है, मैं थोड़ा बहुत भीग गया हूँ, पर बस अब चलते जाते हैं। मंदिर बिल्कुल पास में ही है, गेट से जैसे आप बाहर निकलते हैं दूसरा मंदिर यहाँ पर है, श्री नरसिंह वीर मंदिर।